हेलो एवरीवन। तो कटहल की सब्ज़ी आपने बहुत खाई होगी दोस्तों। तो आज मैं अपनी मम्मी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मम्मी मेरी बनाती थी बहुत ही कम मसाले में। वह आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो में। ये देखिए, मैं 1.5 किलो कटहल लेके आई थी मार्केट से, जो भैया जी ने कट करके मुझे दे दिया था। इसे मैं 2 पानी अच्छे से धो लूँगी। अभी भी मार्केट में बहुत कटहल की सब्ज़ी मिल रही हैं और एकदम ताज़ी ताज़ी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। इधर प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब मैंने धो लिया है। अब कुकर में मैंने इसको रख रही हूँ 2-3 सीटी के लिए। 3 सीटी तक आने तक मैं इसे उबाल लूँगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूंगी इसमें। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है ये सब्ज़ी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और इधर देखिए, प्याज को मैं छील के कट कर लूँगी, बारीक कट कर लूँगी। कटहल की सब्ज़ी में प्याज थोड़ा ज़्यादा ही लगता है और बहुत ही अच्छा भी बनता है। इधर 4 टमाटर ले लिया है मैंने, इसे भी कट करके रख लूँगी। ये देखिए, अदरक मिर्ची लहसुन सब ले लिया है मैंने। अदरक लहसुन मिर्ची जो है ना दोस्तों, उसको ना मैं कुटनी में कूट लूँगी। ऐसे कूट के बनाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास हो तो ज़रूर ऐसे बनाइए। ये देखिए, ऐसे दरदरा कर लेंगे। और इधर कटहल भी उबल गया था, इसे मैं छन्नी में निकाल लेती हूँ। और बहुत ही अच्छे से बन जाता है, जल्दी टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में रेडी हो जाती है ये सब्ज़ी। आप चाहे तो तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैंने इसे उबाल के बना रही हूँ, जल्दी बन जाता है। ये देखिए, अच्छे से उबल गया है कटहल। अब मैं इसे मैश कर लूँगी, इसका भुजिया बनाऊँगी ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा बनता है ये। इसके लिए मैं मैश कर दे रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो मम्मी ऐसे बनाया करती थी कम मसाले वाली कटहल की सब्ज़ी, तो हम लोग सब लोगों को बहुत पसंद आता था। ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं यूज़ करती थी वो, स्पेशली हमारे लिए ही बनाती थी कि बच्चे भी खा सके सब्ज़ी को। और देखिए, तड़का मैंने डाल दिया है, लाल मिर्ची सूखी, और उसके बाद से तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग इलायची डाल लिया है मैंने। उसके बाद से प्याज को डाल के 2 मिनट के लिए भून लूँगी, ढक दूँगी, थोड़ा गल जाए प्याज। उसके बाद से जो कूटी हुई अदरक मिर्ची लहसुन है उसको भी डाल दूंगी, उसको भी भून लूंगी थोड़ा। उसके बाद जो टमाटर कट किया था उसको भी डाल दूंगी मैं। टमाटर को ज़्यादा नहीं भूनूंगी मैं, क्योंकि कटहल की भुजिया सब्जी मैं बना रही हूँ ना, तो कटहल के साथ ही ये भुनेगा। इसके लिए सिर्फ 1 मिनट ही भूनूंगी। उसके बाद से ये उबला हुआ कटहल इसमें डाल दूंगी, धीमी आंच पे ये पकता रहेगा, अच्छे से गल जाएगा टमाटर इसमें। और देखिए, नमक हल्दी डाल दिया मैंने, 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच सब्जी मसाला, बस और कोई मसाला यूज नहीं करूँगी मैं। इसे चला लूँगी अच्छे से। अगर आप ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खाते हैं दोस्तों, तो ये वाली सब्ज़ी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही कम मसाले में बन के रेडी होगी, और ये कटहल की सब्ज़ी तो सबको पसंद आएगी, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है, जो चावल रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। इसे ढक के रख दूँगी मैं, मीडियम आँच कर दूँगी।
ऐसे देखिए चला लूँगी अच्छे से। और ये देखिए कितना अच्छा गल गया है सब्जी, और बहुत ही अच्छा सुगंध भी आ रहा था दोस्तों। बन के रेडी हो गया है। इधर धनिया पत्ता डाल के मैं गार्निश कर लूँगी। तो ज़रूर से कमेंट करिएगा फ्रेंड कि ये कटहल की सब्ज़ी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँ। और कमेंट ज़रूर करिएगा। ये देखिए कटहल की सब्ज़ी कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है। तो एंजॉय करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ये रेसिपी। इसे आप चावल रोटी के साथ, दोनों के साथ खा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए चावल के साथ रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।